काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने 24 घंटे से पूर्व ही इलाके में हुई लूटपाट की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटे गए सामान के साथ ही देसी तमंचा और चाकू भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीती शाम उजाला हॉस्पिटल के कर्मचारी नितिन कुमार निवासी थाना सेरकोट जिला बिजनौर से काशीपुर के कुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि वह अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर करीब 3 बजे मुरादाबाद रोड पर अपने घर जाने को किसी टैक्सी के इंतजार में खड़े थे, तभी उसके निकट पिकअप गाड़ी आकर रुकी जिसमें ड्राइवर और कुछ लोग पहले से ही सवार थे। उन्होंने नितिन को अपने वाहन में लिफ्ट दे दी और नितिन भी उसमें सवार हो गया, लेकिन ग्राम गोविंदपुर जसपुर के इलाके में पिकअप में सवार लुटेरों ने उसके पास मौजूद करीब 3000 रुपए, एटीएम कार्ड और हाथ में पहनी घड़ी को लूटने के बाद चलती गाड़ी से धक्का देकर बाहर गिरा दिया। कल शाम को जो है थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि पीवी भंसरी नितिन कुमार जो कि शेरपुर के रहने वाले हैं और यहाँ उजाला हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करते हैं, तो कल जब अपना वो ड्यूटी पूरा कर जो है अपने घर वापसी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में पिकअप के द्वारा जो है उनको बैठाया गया, ये कि हम कम किराए ले लेंगे तुम बैठ जाओ। तो जब वो पिकअप आगे चली तो कुंडा हाईवे पर पहुँचते ही पिकअप में जो सवार व्यक्ति थे तो उनके द्वारा जो है इनके साथ लूटपाट की गई, इनके पास जो पैसे थे, एटीएम कार्ड था, इनकी घड़ी थी, वो उनसे छीन ली गई और इनको उतार दिया गया। इनके द्वारा अच्छा काम ये किया गया तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस जो है हमारी पूरी एक्टिवेट हो गई, हमारे एसओ साहब हमारे संगठन के साहिबान पिंडर के उनके द्वारा विभिन्न टीमें बनाकर जो भी बाहर निकलने वाले रास्ते थे उन पर चेकिंग की जाने लगी और इसमें तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास जो है हमारा जो सियामेगा ठाकुरदार मार्ग है वहाँ पर जो है मैं पिकअप इन चार लोगों को जो है पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके अरेस्ट किया गया और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से जो पीड़ित के पास से जो सामान लूटा गया था वो समस्त सामान बरामद किया गया और साथ ही साथ इनके पास एक तमंचा और एक चाकू भी इनके पास से मिला है। और पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इनके द्वारा ये पिछले 10 दिवस में जो है मुरादाबाद एरिया में जो है ऐसी हाईवे पर 4-5 घटनाएँ कारित की गई हैं, लोगों को बैठाया जाता सवारी के नाम पर और सुनसान जगह पर जो है उसके साथ लूटपाट कर पिकअप से उसको उतार दिया जाता है। तो अगर ये पुलिस के द्वारा बड़ा ही एक सराहनीय कार्य किया गया है, अन्यथा ये लोग बहुत ही बड़ी घटना भी कारित कर सकते थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया है और लिखा पढ़ी करने के बाद इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। किस स्तर के लोग हैं सर ये और क्या इनका कहीं और भी इनके मुकदमे दर्ज हैं इनके नाम? हाँ देखिए, जैसा कि पता है ये मोस्टली जो है मुरादाबाद जनपद के रहने वाले हैं और उनके गृह थाने को जो भी सूचना जो घोषित की जा रही है और इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी जानकारी की जाएगी और साथ ही साथ इनका जो यहाँ जो अपराध किया गया है इसकी जानकारी इनके संबंधित थाने को भेज दी जाएगी ताकि वो भी अपने रिकॉर्ड में इसको रखें। काशीपुर से TNN के लिए नजीम खान की रिपोर्ट।